नमस्कारम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का सामान्य परिचय प्राप्त करना। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आज हम जिस आसन की चर्चा करेंगे उस आसन का नाम है ताड़ासन। अब हम यह जानते हैं कि ताड़ासन नाम क्यों पड़ा। जब अभ्यासी इस आसन का अभ्यास करता है तो उसके शरीर की स्थिति ताड़ के वृक्ष के जैसे हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम ताड़ासन पड़ा है। अब हम यह जानते हैं कि इस आसन को करने पर हमको क्या लाभ होगा। इस आसन को करने से हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पूरे शरीर में तनाव होता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे तरीके से होता है। इस आसन के अभ्यास से हमारा मेरुदंड सुदृढ़ होता है, लचीला होता है। मेरुदंड से संबंध रखने वाली जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें रक्त का संचार अच्छे तरीके से होता है। यह आसन हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। यह आसन एक निश्चित उम्र के बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में भी, शरीर की जो लंबाई है उसको बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। अगर बच्चों को जन्म के बाद बचपन से ही उनको इस आसन का अभ्यास कराया जाए तो उनके शरीर की लंबाई बढ़ाने में यह आसन सहायक सिद्ध होता है। इस आसन को करते समय हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। यह आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको हृदय संबंधी रोग हो या समस्या है। जिनको वेरिकोन्स वेन की समस्या है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। जिनको बार बार चक्कर आने की समस्या है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम यह जाने हैं कि अब हम यह जानेंगे कि यह आसन कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में मैं करके बताता हूँ कि यह आसन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें किसी आसन पर सीधे खड़े होना है। पैर के दोनों पंजे आपस में मिले हुए हों, दोनों हाथ शरीर के बगल में सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी। इसके बाद सांस लेते दोनों हाथ ऊपर करेंगे, हथेलियों को पलटते हुए सांस छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए सर को ऊपर लाना है। इसके बाद सांस लेते हुए हथेलियों पलटते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, पूरे शरीर को पैर को उंगलियों को ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना है, सांस समान रहेगी, लेना है छोड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को सर के ऊपर लेना रखना है। सांस लेते हुए हाथों को सीधा करेंगे, छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, दो से तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस आसन की समाप्ति होती है। यह इस आसन को कैसे करना है या इसकी सामान्य विधि है। हरिओम।